Hello friends, now we are going to start the new exercise, exercise 9a. Before that, we will study about bone mass. What is bone mass? Bone mass, what is the stands for? See here, bone mass stands for B for brackets, O for off, D for divide, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. Now, first of all, we have to solve the brackets element. यहाँ पर देखिए, ये question है, ठीक है? इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या क्या है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट है ओपन, ठीक है, देन यहाँ पर ये पैरेंथेसिस है और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ देखिए 4 × 2 ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लीकेशन m, ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में ये ब्रैकेट है, यहाँ ये माइनस का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन का साइन है, ठीक है, ये वाला सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पर देखिए ये स्मॉल पैरेंथेसिस है, इसके अंदर 4 / 2 है, ठीक है, फिर ये क्लोज है यहाँ पे बिग ब्रैकेट से और स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, देन प्लस 8। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, आप देखिए पहले हमें ब्रैकेट वाला सॉल्व करना, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ब्रैकेट के अंदर जोड़ना है, ठीक है, पहली प्रायोरिटी किसकी रहती है, अंदर वाले ब्रैकेट की, छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस, इससे पहले रहती है बार वाले, लेकिन बार यहाँ है नहीं, बार ब्रैकेट, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 × 2 8 माइनस 4 / 2 3 वाला करेंगे 4 / 2 2 ये ब्रैकेट क्लोज, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करें 4 × 2 8 4 / 2 2 ठीक है, यहां पर देखिए प्लस करेंगे इसे प्लस 8 ये लिख दीजिए एज इट इज, ठीक है, अब हमें क्या करना, ऑफ, देखिए ऑफ यहां पर है, ऑफ नहीं यहां पर, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ऑफ यहां पर, देन डिवाइड देखिए डिवाइड तो हमने यहां पर ये ब्रैकेट के अंदर था ये कर दिया, ठीक है, फिर यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन है नहीं है, यहां पर बस एडिशन है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो एडिशन है, यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट वाला करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ये वाला सॉल्व करिए 8 − 2 6 प्लस 8 14 हमारा आंसर आ गया, ठीक, फिर समझते हैं हम कि बॉड मास कैसे होता है, बॉड मास से हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को, ठीक है, देखिए पहले ब्रैकेट वाला करेंगे, सारा ब्रैकेट वाला, ठीक है, तो पहले छोटा ब्रैकेट वाला करते हैं, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट अंदर वाला ब्रैकेट 4 × 2 8 माइनस 4 / 2 2 ठीक है, ये देखिए ये छोटा वाला ब्रैकेट ये हट जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, फिर इसके अंदर ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है ये भी हट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट से क्लोज है और स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट ब्रैकेट आया, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे 8 − 2 6 प्लस 8 14 हमारा आंसर आ गया। बॉड मास को हम एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें क्या ब्रैकेट दिए, इसमें ऑफ दिए, इसमें डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो एलिमेंट उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 12 + 3 15 डिवाइडेड बाय 4 − 1 3 ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू ये वाला सॉल्व करेंगे 5 − 2 3 5 − 2 3 ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज फिर ऑफ 3 ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब फिर ये वाला करेंगे 15 / 3 क्या है 5 ये ब्रैकेट क्लोज फिर ऑफ 3 ठीक है, अब देखिए क्या करना, 5 × 3 15 ऑफ 3 मतलब 15 × 3 = 45 ये हमारा आंसर है, यहाँ पे कैसे किए, पहले आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है 12 + 3 15 डिवाइडेड बाय, फिर ये भी ब्रैकेट में इसे भी सॉल्व करेंगे 4 − 1 3 ठीक है, फिर यहाँ पर फिर इंटू 3 लिखना है इंटू यहाँ पर देखिए 5 − 2 3 लिख दिया मैंने ठीक है, फिर ऑफ 3 ऑफ 3 ठीक है, फिर देखिए फिर ब्रैकेट वाला सॉल्व करिए 15 / 3 5 × 3 5 × 3 मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पर ऑफ 3 ठीक है, देखिए 5 × 3 15 15 ऑफ 3 मतलब 15 × 3 = 45 45 आंसर है।